हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस चैप्टर के ही सेकंड टॉपिक की, जिसका नाम है एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम क्या है? इट इज अ प्रोसेस और सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड इन अ कैलकुलेशन और अदर प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपरेशंस, स्पेशली बाय कंप्यूटर। तो एल्गोरिदम क्या एक प्रोसेस है और यह सेट ऑफ रूल्स कह सकते हैं उसको, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं हम जो रूल बनाते हैं किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। आज जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे, जितने भी मैथमेटिशियंस रह सके हैं रह चुके हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ रूल्स बना के दिए हैं और उसी के बेसिस पे हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं और आगे 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 बढ़ रहे हैं। तो इसी की मदद से ही, उन सभी की मदद से ही ये जो प्रॉब्लम्स हैं हम कंप्यूटर में सॉल्व करते हैं। तो बेसिक सी जानकारी है इसमें कि एल्गोरिथम है क्या, बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ा रोल है इसका कंप्यूटर में। कि एक प्रोसेस होता है जिसको हम कंप्यूटर में प्रोवाइड करते हैं फंक्शन के थ्रू, फंक्शन इनपुट करते हैं और कैलकुलेशन करता है, प्रोसेस करता है कंप्यूटर एल्गोरिथम्स की हेल्प से और हमें आउटपुट देता है। तो जो नेक्स्ट चीज है, कैसे एल्गोरिदम लिखना है वो जरूरी है। तो दीज आर द बेसिक स्टेप्स हाउ वी कैन राइट एन एल्गोरिदम। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो ऑब्टेन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी समस्या क्या है और हम किस बारे में एल्गोरिदम लिखने जा रहे हैं। फिर हमें जिस चीज के ऊपर लिखना है उस चीज के बारे में बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए, किसी भी चीज के बारे में। वो हमारा सेकंड स्टेप है, एनालाइज द प्रॉब्लम। जो हमारी समस्या है उसे हमें कायदे से समझ लेना चाहिए, अच्छे से समझ लेना चाहिए कि कैसे हम उसे, मतलब हमारे सामने सामने हमारे सामने समस्या कौन सी है, कैसी है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और फिर उसी के बेसिस पे हमारा थर्ड स्टेप डेवलप होता है जो कि है डेवलप हाई लेवल एल्गोरिथम। तो हम उसी के बेसिस पे ही, जो हमारे सामने प्रॉब्लम आएगी उसी के बेसिस पे ही हम एक हाई लेवल एल्गोरिदम प्रिपेयर करते हैं। और उसके बाद जो चौथा स्टेप आता है कि किसी भी चीज को जब हम तैयार कर लेंगे तो रिफाइन द एल्गोरिदम बाय एडिंग मोर डिटेल। और किसी भी चीज को बनाने के बाद जाहिर सी बात है कि अगर हम उसे पहली बार बना रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट या प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे होती है। तो चौथा स्टेप जो है रिफाइन द एल्गोरिदम बाय एडिंग मोर डिटेल्स। तो हम उसको फिर से देखेंगे, सही करेंगे जहां जहां गलती होंगी और जो जो नई चीजें ऐड करने की जरूरत होगी हम उन्हें भी ऐड करेंगे। और सब कुछ सही करने के बाद जो हमारा पांचवा स्टेप होगा वो होगा रिव्यू द एल्गोरिदम। तो रिव्यू करेंगे हम एल्गोरिदम को, एक बार फिर से चेक करेंगे कि जो हमने प्रॉब्लम ली थी उसको जो एनालाइज किया, फिर हमने उसकी बेसिस पर जो डेवलपमेंट किया एल्गोरिदम का, और उसको चेक करने के बाद क्या वो सही आ रही है या नहीं आ रही है। तो आगे तो अब हमारे सामने जो ये टॉपिक्स हैं ये हैं करेक्टरिस्टिक्स एल्गोरिदम की, जो वो अनएम्बिगुअस होना चाहिए। जो एल्गोरिदम शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, ईच ऑफ इट्स स्टेप और फेजेस एंड देयर इनपुट्स और आउटपुट्स शुड बी क्लियर एंड मस्ट लीड टू ओनली वन मीनिंग। तो इसका कहने का मतलब है कि हम जो भी एल्गोरिदम बना रहे हैं वो उसमें कोई मतलब कोई भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए और वो असंदिग्ध नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी चीज दुविधाजनक नहीं होनी चाहिए, उसमें सब कुछ क्लियर होना चाहिए, क्लियर वेरी क्लियरफाइड होना चाहिए। एक 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 और हर एक स्टेप बहुत कायदे से क्लियरिफाई होना चाहिए। और इनपुट एन एल्गोरिदम शुड हैव जीरो और मोर व्हेन डिफाइंड इनपुट। तो करेक्टरिस्टिक भी और इसका होता है कि इनपुट जो हम देंगे तो उसमें जीरो या उससे ज्यादा वेल डिफाइंड, काफी मतलब जीरो से भी ज्यादा हम दे सकते हैं इनपुट्स को। और आउटपुट की अगर हम बात करें करेक्टरिस्टिक्स में, तो आउटपुट की अगर हम बात कर ले तो एल्गोरिदम शुड हैव वन और मोर वेल डिफाइंड आउटपुट्स। तो इनपुट क्या हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट क्या है वो हमेशा वन या उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। एंड शुड मैच द डिजायर्ड आउटपुट, और जो आउटपुट होना चाहिए, जो हमने इनपुट दिया है वो मैच करना चाहिए, जो हमें रिक्वायरमेंट है जिस चीज की उसे मैच करना चाहिए। फाइनाइटनेस, एल्गोरिदम्स मस्ट टर्मिनेट आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। और एल्गोरिदम जो होती है, हम जो भी एल्गोरिदम बनाएंगे वो कुछ समय के बाद टर्मिनेट मतलब खत्म होनी चाहिए, तभी प्रोग्राम आपका रुकेगा और तभी आपकी स्क्रीन रन करेगी। तो फिजिबिलिटी शुड बी फिजिबल विद द अवेलेबल रिसोर्सेज, और अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ वो मैच करना चाहिए, कितनी आसानी से वो उनके साथ मैच कर रहा है। इंडिपेंडेंट एंड एल्गोरिदम शुड हैव स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस, वे शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग कोड। और एक एल्गोरिदम के पास स्टेप बाय स्टेप होना, मतलब किसी भी कोई भी प्रोग्राम करने से पहले हमें स्टेप्स का ध्यान रखना पड़ता है कि हम उसमें कौन क्या क्या करने जा रहे हैं और उसमें कौन कौन से स्टेप्स लगेंगे। तो उन स्टेप्स का हमें बेसिकली ध्यान रखना चाहिए, विच स्टेप्स शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग कोड, और वो प्रोग्रामिंग कोड से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी एल्गोरिदम की।
और अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिदम की। तो एडवांटेज क्या हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं एल्गोरिदम के। इट इज अ स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सॉल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम व्हिच मेक्स इट इजी टू अंडरस्टैंड। तो स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसा कि हमने फ्लो चार्ट में बात किया था कि हम रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन का। तो इट इज अ स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सॉल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम। किसी भी दी गई समस्या का स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन होता है, और विच मेक्स इट इजी टू अंडरस्टैंड, और जो इसे आसान बनाता है समझने के लिए, हम लोगों के लिए आसान कर देता है, क्योंकि स्टेप वाइज हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है हम लोगों को। तो ये आसान बना देता है इसे, हम लोग को जो सोल्यूशन देता है बहुत आसान हो जाता है समझने के लिए। एन एल्गोरिदम यूज अ डेफिनेट प्रोसीजर, और एक बहुत ही डेफिनेट या कि बहुत मीजर्ड प्रोसीजर को यूज करता है अपनी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करता है। सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर एनी वन इवन विदाउट प्रोग्रामिंग नॉलेज। तो ये बहुत ही आसान भी होता है, अगर किसी को प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं भी है तो वो भी इसको आराम से समझ सकता है। एवरी स्टेप इन एन एल्गोरिदम हैज इट्स ओन लॉजिकल सिक्वेंस टू सो इट इज इजी टू डिबग। तो इसमें बताया गया है कि एवरी स्टेप इन एल्गोरिदम, जो एक एक स्टेप होता है एल्गोरिदम का, उसका अपना एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है, उसका अपना ही खुद का पैटर्न होता है, और उसको हम आसानी से समझ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। बाय यूजिंग एल्गोरिदम द प्रॉब्लम इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस और स्टेप्स, हेंस इट इज इजियर फॉर प्रोग्रामर टू कन्वर्ट इट इनटू एन एक्चुअल प्रोग्राम। तो इसमें बताया गया है कि हम एल्गोरिदम का यूज करके किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से तोड़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, और ये आसान कर देता है किसी भी प्रोग्रामर के लिए उसकी एक्चुअल चीज प्रोग्रामिंग को समझना। कि हमने जैसे किसी भी चीज को, प्रोग्राम को अगर ब्रेक किया, उस कोड को तोड़ा, तो हम उसको धीरे धीरे समझ सकते हैं कि उसमें क्या था क्या नहीं था। तो ये कुछ बातें थी कि क्या फायदे हो सकते हैं एल्गोरिदम समझने के। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो फायदे तो सभी चीजों के होते हैं, तो कुछ डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं एल्गोरिदम के। ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये टाइम बहुत ज्यादा ले लेता है। और सेकंड जो है, डिफिकल्ट टू शो ब्रांचिंग एंड लूपिंग इन एल्गोरिदम। तो ब्रांचिंग और लूपिंग सही से इसमें शो नहीं होती है, मतलब शो होती है लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है कि कैसे शो की जाए, बहुत इजी नहीं होता है इसमें ब्रांचिंग और लूपिंग को शो करना। बिग टास्क आर डिफिकल्ट टू पुट इन एल्गोरिदम, और बिग टास्क जो बड़े टास्क होते हैं वो हम एल्गोरिदम में नहीं कर पाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और ये है एक एग्जाम्पल है कि कैसे हम एल्गोरिदम बना सकते हैं, हम कोई भी चीज स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, हमने फ्लो चार्ट के पहले बात की थी इससे पहले वाले टॉपिक में कि फ्लो चार्ट क्या होता है, और उसी के बेसिस पे हम एल्गोरिदम को रन कराएंगे। तो स्टार्ट किया हमने किसी प्रोग्राम को, एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल को समझा, क्लियर किया, डिसीजन क्या है एक हम लोग मतलब डिसीजन देते हैं कोई भी एक, या कह सकते हैं कि हम लोग किसी भी चीज को बताते हैं कि वो, जैसे इसमें मान लीजिए क्लियर वेरिएबल दिया है, उसके बाद दिया व्हाट इज योर ईमेल एड्रेस। तो हमने कंडीशन दे दी है कि अगर एड्रेस क्या है, स्टोर वेरिएबल एक एड्रेस आएगा वो स्टोर करेंगे, ठीक है। अगर क्लियर वेरिएबल हो रहा है तो कंडीशन नो हो जाएगी, इट इज अ वैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है। यस एंड मतलब एक एक तरीके से इसको हम समझ सकते हैं कैसे स्टेप हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पहले हम स्टार्ट पे गए, फिर हमने वीडियो क्रिएट किया, क्लियर वेरिएबल तब होगा जब कंडीशन मैच नहीं करेगी, और अगर ये नहीं हो रहा है तो व्हाट इज योर ईमेल एड्रेस जो हमने कंडीशन दी है वो स्टोर हो जाएगी अगर वो सही हो रही है तो, और इट इज अ वैलिड एड्रेस आ जाएगा और यस लिख के वो एंड हो जाएगा। तो यही सब बातें थी एल्गोरिदम के बारे में, और इसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है लैंग्वेज के बारे में, कि कंप्यूटर कौन कौन सी लैंग्वेज समझता है, और वो मेरे अगले वीडियो में आएंगी। कीप वेटिंग एंड वॉचिंग, थैंक यू।